Hi there! Hello everyone! This is Saloni! And this is Shweta! And welcome back to At Sacred International! आज की वीडियो आपको पता क्या है? Can you guess? I don't think so, they can guess. Because it's very interesting. वैसे तो मैं हर वीडियो को इंटरेस्टिंग बोलती हूँ, पर ये कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है. Because इस वीडियो में हम आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं. Yes. जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें बहुत अलग अलग तरह के सवाल पूछना चाहते हैं हमेशा, बट हमेशा वो रुक जाते हैं कि मतलब कुछ ना कुछ उनके माइंड में होता है. जैसे एंड स्पेशली दे वांट टू नो द हिडन सीक्रेट. एग्जैक्टली. सो आज हम उन्हीं हिडन सीक्रेट्स के आंसर देने वाले हैं. हिडन सीक्रेट्स तो नहीं कहेंगे वैसे, बट आई मस्ट से कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू मी एंड टू हर, जो हम आपको आज आंसर देने वाले हैं. कुछ हमारी पर्सनल लाइफ को लेके, कुछ करियर को लेके, कुछ एज को लेके, जो कि हमेशा सबका क्वेश्चन रहता है. कुछ हमारी हैबिट्स को लेके एंड कुछ इंसिडेंट्स को लेके जो आज सवाल है वो उनके आंसर्स आपको मिलेंगे. सो लेट्स बिगिन. सो टुडे विद अस इज Tanya. Who is going to ask the questions from us? So shall we start? Yes, of course. Okay. Are you ready? Yes, we are ready. You have to be strong enough. झूठ नहीं बोलना. मैं झूठ मत बोलूंगी. मैं नहीं झूठ बोलूंगी. आप झूठ मत बोलना. मैं भी नहीं बोलूंगी. प्रॉमिस. वो वाला प्रॉमिस मुझे नहीं पता. पिंकी प्रॉमिस. सो आंखें बंद करनी है कि नहीं करनी है पहले मुझे बताओ. नहीं करनी है. की वेन शी विल आस्क द क्वेश्चन तो हम आंखें बंद करके आंसर देंगे यस नो कौन ऐसा. उसके बाद फिर जब हमें एक्सप्लेनेशन देनी अगर किसी में होगी तो वी विल ओपन द आई. लाइक नो इट्स नॉट लाइक दैट. वी आर गोना जस्ट डायरेक्टली आंसर एंड देन फाइन एक्सप्लेनेशंस के साथ. ठीक है चलो स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट द मिस्चीवियस. ओके स्कूल में सबसे ज्यादा शरारतें किसने की? मैंने तो नहीं की. मैंने की. मैंने स्कूल में नहीं. I must say in the college. Like, I was a very sincere child in the school and college also. I was actually not. मैंने हर शरारत की है, हर वो काम किए हैं जो कॉलेज में बच्चा करता है. या वैसे वाले बंक्स में किए याद रख लेना. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. पर या क्या पता किया भी हो सकता है. Who knows? ना ऐसे नॉर्मल बंक्स किए हैं, खाने पीने वाले बंक्स किए हैं. चाहे तो आप मेरी फ्रेंड से पूछ लेना. हाँ पूछूंगी जरूर. आपको बताऊंगी. ये इन्होंने एक नई चीज सीखी है. पता नहीं कहाँ सीखी है और मेरे अप्लाई करके बाद ये था. मुझे लगता है कि गुजराती लोग करते हैं. आई थिंक गुजराती लोग करते हैं. सो मैं करते हैं. नहीं मैंने कोई मेरे ख्याल से मूवी देखी थी तो उस मूवी में ऐसा मैंने किया. सो आई हैव अ हैबिट. मैं जो चीज देखती हूँ ना वो ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी एंड माइंड अपने आप अपने अंदर फिल्टर कर लेती है. वो नेचुरली बॉडी एंड माइंड की जो फिल्ट्रेशन वो मेरे पे पूरी हो जाती है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबह से आप रेडी हो रहे हैं ना? सुबह से झूठ. अभी तक माय लॉर्ड ये झूठ है. तो आप दोनों में से ज्यादा टाइम कौन लेकर तैयार हो रहे हैं? ऑफ कोर्स. ये क्या करते हैं मैं आपको बता इनके बारे में. दैट इज व्हाई ये टाइम हो रहा है. आपको बताती हूँ ये सुबह से तैयार होना शुरू हो जाते हैं. एंड अगर इनको 15 मिनट बाद आधे घंटे बाद फिर आके देखो ना ये कहते हैं मैं तो पूरी रेडी हूँ. पर इन्होंने फेस का कुछ भी नहीं किया होगा ना ही इनका हेयर इन्होंने कुछ किया होगा. एंड व्हाट शी डज ये से बालों को कभी इधर करके ऐसे करके सेट करके मेरे सामने ना वो हवा में लगे. मैं कहती हूँ आपने इतनी देर से किया क्या है? मतलब घंटा हो गया आप तैयार हो रहे हैं. डिड यू गेट रेडी? ये बिल्कुल और बिल्कुल सच है. ये बिल्कुल और बिल्कुल सच है. ओके यू टेल मी हाउ मच टाइम आई टेक. हार्डली एज कम्पेयर टू यू. हाफ एन आवर. एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं. मेरे को ऐसा पता क्या होता है चल मैंने ये कर लिया अभी टाइम है. पूरी जिंदगी बन रही है अभी टाइम है. तो जब हो जाता ना जाने का टाइम फिर मैं होता है यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी. देन एट दैट टाइम आई मेक हर अलार्म कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया जाओ कुछ जाके करो. देन शी फाइनली थिंक्स कि हाँ मुझे कुछ कर ही लेना चाहिए. अच्छा ठीक है मैं ही करती हूँ. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट आप दोनों काफी एटीट्यूड रखते हैं मतलब क्लास में है ना तो काफी मतलब बच्चों को जग बोलते हैं है ना ज्यादा कितना. ऐसा भी नहीं है. जब स्क्रिप्ट या वीडियो रेडी होने की बात होती है तो सबसे ज्यादा सुस्ती कौन डालता है? सुस्ती लेथार्जिक लेजी सबसे ज्यादा यही होता है.
होता क्या है कि जब सब्सक्रिप्ट सुनने की बारी आती है मैं कहती आपने जो करना है कर लो एंड मैं बताती इनको चीज चार बार बतानी पड़ती है मुझे कि हम ये करेंगे तो शी इज लाइक अच्छा ठीक है जब करना होगा कर लेंगे चलो ठीक है मतलब आई बिलीव ऑन द फाइनल लिटरली लेथार्जिक वन मतलब सच में ये सिर्फ ना एक इन जस्ट लिसनिंग द स्क्रिप्ट नॉट इन अदर वर्क्स मेरी मम्मी पापा से पूछ लो आप जाके जा रही हूं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मोर एक्टिव सो आज तक तो आप आईएलटीएस टीचर थे ठीक है तो क्या मैं आपसे किचन वोकैबुलरी के बारे में कुछ पूछ सकती हूँ किचन के बारे में यस किचन वर्ड्स के बारे में पूछ ले वो भी पूछ ले ओके सो क्वेश्चन इज माय फर्स्ट टाइम खाना बनाने वक्त किसने मिस्टेक की और क्या मिस्टेक की मैंने फर्स्ट टाइम क्या की हमारे शेफ है शेफ श्वेता बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं कुकर पे दाल चढ़ाते हैं लेकिन दाल डालते नहीं है पानी की सीटी लगा देती है पानी कुकर में पानी डाल दिया मसाला वगैरह सब डाल गए लेकिन दाल डालनी मैडम जी भूल जाते हैं दाल बनाने पे दाल है दाल बनाने में दाल ही नहीं है और जब कोई चेक करे कि दाल बनी है सिर्फ पानी ही होता है उसमें और सुनाया जाए मैडम जी का वो क्या होता है कतीरा गूंद होता है ना जो गर्मी में डालते हैं ठीक है कहते कतीरा को नींबू पानी में डालो या नींबू पानी कतीरा गूंद में डालो मैंने ये भी बोला कि उसमें कोई धोने वाली भी बात है उसको धोने कतीरा गूंद में धो के भी कुछ करना पड़ता है ये कुछ तभी हमारे शेफ मिस बट ये भी तो बताओ नाउ अब कैसी हूँ मैं अभी भी ऐसे ही कुछ अलग बनाना पड़ेगा अभी मैं काफी अच्छी हूँ कुकिंग करने में हो गया चलो थोड़ा सा हम इनको दे देते हैं थोड़े से अच्छे इतने समझे में दोपहर का खाना कौन देता है इनसे पूछो हाँ ड्रीम्स में अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा तो यहाँ पे तो अगर कोई बच्चा एक दिन आए तो आप उनको इतनी सुनाते हैं आपने कितने लेक्चर्स बंक किए हैं मैंने तो किए मैंने बहुत थोड़े किए हैं लेक्चर्स बंक मैं आपको बताती हूँ लाइक व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज तो हमारे कॉलेज में ना वॉशरूम से एक शॉर्टकट जाता था तो व्हेन आई वाज इन द कैंटीन मैं कैंटीन में बैठी थी मुझे आज भी याद है तो उधर से मैंने सर को निकलते देख लिया कि सर निकल गए क्लास के लिए ठीक है वो हमारे इंग्लिश के लेक्चरर थे तो जब वो क्लास के लिए निकल गए ना तो वो उस रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते से हमने जाना था सो आई डिसाइडेड कि सर से पहले पहुंचना है क्योंकि सर का रूल था कि अगर मैं अंदर आ गया ना तो तुम लोग नहीं अंदर आ सकते सो आई वाज लाइक मैंने अपनी फ्रेंड को बोला मैं चल हम लोग कोको समोसे खा रहे थे को पी रहे थे समोसे खा रहे थे तो जब सर निकले वहां से तो फिर हमने इमीडिएटली वॉशरूम से शॉर्टकट लेके क्लास में गए तो ऐसे काम बहुत किए और बंक्स भी मारे हैं हमारे कॉलेज के पीछे मार्केट होती थी तो हम वहां से खाने पीने जाते थे और खा पी के फिर वापस आ जाते थे समथिंग लाइक दैट बढ़िया सच है दूसरे बंक नहीं किए मैंने नहीं किए आपने किए नहीं मैंने नहीं किए मैंने बंक्स नहीं किए अभी तो टीचर अच्छी बच्ची हो ना मैं टीचर ज्यादा सिंसियर हूँ आप कमेंट्स करके बताओ कौन ज्यादा सिंसियर लगता है आई नो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं कहने वाले ये हमारी बोली शक्लें देखो कितने सिंसियर हैं अच्छा इतने सिंसियर हैं तो फिर खाना खाकर बर्तन समेटने की जल्दी किसी होती है अभी खाना भी नहीं खाया ये हमारी ये इनको खाना कोई खा रहा है ना उसके आगे से प्लेट नहीं मैं संभाल रही उसके आगे से प्लेट लेके डाल देंगे सब सिंक में और समेट रहे हैं ये तुम ये बंदा खाना अच्छी खा बात है ना अच्छी बात है समेट रहे बंदा खा में छोड़ के नहीं, 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 बंदा खाना खा रहा है वो इंटरेस्ट नहीं है इनको इनको इंटरेस्ट है टाइम हो गया समेटने का यू नो आई एम अ मोर शेड्यूल्ड पर्सन एंड मुझे लगता है कि जो चीज की तरह सोने का टाइम है अरे मुझे बताने दो अरे ये क्या सच्चाई बताने दो इनको बताओ I am a most scheduled person मुझे लगता है कि हर टाइम अपने हर काम अपने टाइम पे हो जाएगा आधे घंटे के लिए खाने के लिए मिला है तो उतने टाइम में फिनिश हो अभी बर्तन संभालना शुरू करते हैं उसका भी एक टाइम होता है आई एम मोर शेड्यूल्ड पर्सन ये तो अगर हम ऑफिस में भी खाना खा रहे हैं तो उनको पता टाइम हो गया ना उन्होंने दाल वगैरह जो पड़ी वो पैक कर देनी है हुआ नहीं आपका भी और भाई खा रहे हैं अभी हम लोग स्केड्यूल लाइक स्केड्यूल बहुत ज्यादा स्केड्यूल है इनका और आगे पूछे आज हम लोग ज्यादा फोले खोल रहे हैं मुझे लग रहा है बोल तो रहे एक दूसरे को बोलने भी नहीं दे रहे चलो ओके तो ये लंबी हो रही है आप दोनों में से झगड़ा करते वक्त कौन जीतता है ये जीतते हैं मोस्टली एंड व्हाट हैपेंस एट दैट टाइम कि जब ये बोल रहे होते हैं तब गुस्से में ये बहुत ज्यादा बोलना शुरू हो जाते हैं इवन आई आल्सो स्पीक और मेरा ये होता है कि मैं चुप करके साइड पे लग जाऊं ये ना जितना बोलना ये बोले जब ये चुप कर जाएंगे तब मैं बोलूंगी फिर ये बोलते हैं ये इनका रूल है एंड देन शी इज की ये निंजा टेक्निक है इनकी
तो फिर उसके बाद जब ये स्ट्रेटजी है जब ये बोलते हैं ना फिर अच्छे बल्ले भी चुप कर जाने में लग जाते हैं. यू बोथ आर ओवरएक्टेड और नॉट? सबसे ज्यादा ओवर एक्टिंग करने में मैं हूँ. मैं ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन होता क्या है कि जब तक कैमरा नहीं ऑन होता तब तक मेरे से जैसे स्लोली मैम कहते हैं कि ये करके दिखाओ तो मैं ओवर करके दिखाती हूँ. कहते कि इतनी ओवर एक्टिंग कैमरे के सामने क्यों नहीं करती? मैं कर लेती हूँ ये कैमरा के सामने ओवर एक्टिंग करती. अच्छा मुझे कमेंट्स में बताना ओवर एक्टिंग लगती है? मुझे तो नहीं लगती. वैसे मुझे बताना ऑफ स्क्रीन में मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ. उनको कैसे पता होगा? तो फिर वो नहीं बताएंगे ना, आपके बारे में बताएंगे. मैं सेफर साइड पे. सीरियस क्वेश्चन है. हाँ बताओ. सीरियस क्या? सुनो, आप सुबह से लेकर शाम तक इतना करते हैं ना, वर्कलोड हो जाता है ना. तो फिर गहरी नींद कौन सा होता है घर जाके? गहरी नींद सोने में ये हमारे जो है इनको तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए. ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए ये पता है. ये मैं बताती हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल थैंक माय सेल्फ. ये क्या करते हैं? बहुत हंसी वाली बात है, मैं आपको सुनाती हूँ. चलिए मैडम जी जब सो जाते हैं ना, ये मैडम जी जब सो जाते हैं ना, या 9 या 10 या जितने बजे भी ये सोते हैं राइट, उसके बाद भुचाल आ जाए, बारात निकल जाए, कोई मर जाए, लुट जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे एक छोटा सा भी मुझे भनक भी नहीं होती कि कुछ हो रहा है. आज कोई भी आ जाए ना उठ के चले जाएंगे, मुझे नहीं लगता ही उठेंगे, ये सोए रहेंगे, कुछ भी करो. अभी रात वाली एग्जाम्पल वो क्या पंजाबी में क्या बोलते थे, हिंदी में घोड़े बेच के सो रहे होते हैं, घोड़े बेच के, घोड़े पैसे गायें सब बेच के सोते हैं आराम से. और जब कोई गलती करके है ना, इतने कौन है जो इतने कॉन्फिडेंस से बात करता है कि मतलब गलती का पता ही नहीं चलता. ये मैं हूं, ये इनके बारे में मैं बताती हूँ. बारी आई अपनी. बता ये क्या करते हैं, वंस देयर वाज अ स्कूल फंक्शन, तो उस टाइम कॉलेज था, वो कॉलेज था. हाँ चलो स्कूल में भी तो ऐसे कुछ करते होंगे आप. क्या हुआ कि एक टाइम पे कॉलेज फंक्शन था, तो उन्होंने डांस परफॉर्म करना था कॉलेज के स्टेज में, एंड ये गलत स्टेप कर रहे हैं और बाकी सब सही स्टेप कर रहे हैं, और ये गलत स्टेप भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं कि बाकी सब सही वाले गलत लग रहे हैं. को लग रहा है ये सही है, वो गलत कर रहे हैं. अरे स्टेप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गलती भी करते हैं. मुझे कॉलेज में मिस कॉन्फिडेंस का अवार्ड मिला है. अगर ये वीडियो मेरी फ्रेंड्स देख रही है तो वो कमेंट में जरूर बताए, बिकॉज दे ऑल नो मुझे मिस कॉन्फिडेंस का अवार्ड मिला. गलत होने में भी मिस कॉन्फिडेंस मिल जाए मेरे ख्याल से दे रहे हैं. गलत स्टेप करके भी ऐसा शो किया है, मैं ही सही हूँ, सारे गलत हैं. आई एम लाइक दैट ओनली. अरे बचपन से है, समझा करो. बचपन से गॉड गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड इनेट. ओके नेक्स्ट. सो नेक्स्ट इज, आपने इतने साल मतलब बच्चों को पढ़ाया है ना, तो किसको बच्चों के नाम याद रहते हैं और किसको भूल जाते हैं? आप गेस करो. चलो आप गेस करो कि मुझे याद रहते होंगे किनको याद रहते हैं. वो कैसे कैसे करेंगे, वो हमें नहीं जानते ना, सीक्रेट्स तो हम बता रहे हैं. चलो फिर आप ही बता दो. सबसे ज्यादा नाम याद मुझे रहते हैं और मुझे तो बिल्कुल नहीं रहते, भूल जाते हैं. ये क्या करते हैं, मेरे से आगे पूछते हैं इसका नाम क्या था. और ये मैं बताती हूँ, ये छोड़ो, व्हेन आई वाज इन माय लाइक यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल जहाँ भी मैं रही हूँ, इट वॉज लाइक कि जब समर वेकेशन होती थी, 2 महीने की छुट्टियां पड़ती थी ना, उसके बाद जब मैं वापस आती थी ना, तो जो मेरी साथ जो मेरी क्लोज फ्रेंड होती थी, मैं उसको बोलती थी यार ये मुझे हेलो बोल रही है, इसका नाम क्या है, मुझे भूल गया, ये मुझे बुला रहा है, ये मुझे बुला रही है, इसका नाम क्या है, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, ये मुझे जानता है. एंड इवन आई हैव अ वेरी शार्प मेमोरी इन रिमेंबरिंग द नेम. आई एम वेरी बैड एट इट, बहुत बुरी हूं. मुझे अगर आप मेरे साथ मिल रहे हो, रोज मिल रहे हो, तो मुझे नाम याद है. आपने 2-3 months का ब्रेक डाला तो आई विल फॉरगेट यू. आप 2-3 months का ब्रेक मत डालना, ये आपको भूल जाएंगे. भूल जाएंगे आपको. लेकिन हम समझते थे शायद श्वेता मैम ऐसा करते हैं, क्योंकि इनका फेस थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप है, हमें लगा बच्चों के साथ इनको मतलब नहीं होता. ऐसा कुछ नहीं है, मतलब करना मैं ऐसे नाम ही भूलती हूँ, बाकी कुछ नहीं भूलती. बाकी आप मुझे कुछ भी याद दिला दो. और घूमने का शौक किसे है? घूमने का शौक इनको इनको है. मुझे कहीं भी जाने का, कहीं चलो तो नहीं कहीं भी जाने का, कहीं भी मतलब कुछ भी हो मुझे जाना है, मतलब कहीं भी घर में बोले ना हम यहाँ जाए, मुझे ले जाओ. बट आई एम मोर इन लव विद माई कोजी होम. आई प्रेफर, मतलब आई एम क्वाइट एडवेंचरस, तो मुझे लगता है कि मुझे और कई बार क्या होता है कि जब घूमने जाना तो ये मुझे घसीट के साथ मिल जाता है, चल मेरे साथ. बट आई एम इन लव विद माई कोजी होम. तो इनको होता है मैंने घर पे रहना, मेरे को ये होता है यार क्या घर पे रहना, रात को आना ही है घर पे, चलो चलते हैं. घर पे कोई भी कुछ बोले ना कि मैं थोड़ा यहाँ तक जा रहा हूँ, मुझे ले जाओ. मैं चलती हूँ साथ में, कोई काम हो रहा है मुझे ले जा. जैसे एक छोटा बच्चा नहीं, तो बाहर जाना, मुझे जाना है लाइक दैट.
मेरे को ही होता है कि लाइक मैं सच बताऊँ तो जब मुझे लाइक हवा टच करती है या मेरी बॉडी को टच करती है तो मुझे फ्रेशनेस फील होती है. वो जो फ्रेशनेस है ना, मतलब आई एम इन लव विद दैट. तो मुझे ये होता है कि वो चीज चाहिए मुझे, बस ये चीज है. अगला क्वेश्चन, कैन यू टेल मी योर एज? No, a big no. I think that one should never ask age to a woman. मैं सुन के उनकी एज नहीं पूछते कभी. पता नहीं ये सवाल जो है उसका जवाब मैं बिल्कुल नहीं देती. Yes. अगला क्वेश्चन. Seriously. अच्छा इतना तो बता दो. बड़ा कौन है? अरे आप बड़े हो, मैं तो कितनी छोटा हूँ, देखो तो सही. Oh my God. सबसे ज्यादा शरारतें कौन करता है? मुझे दिख रहा है यही करते हैं सबसे ज्यादा शरारत. देखने में जब मेरे बच्चे देख रहे हैं, kind of मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो कहते हैं मैम तो बड़ी सीरियस होता है क्लास में. अब देखो सबका अपना अपना नेचर होता है. अभी प्रोफेशन में लाइक व्हेन आई एम इन माय प्रोफेशन तो मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ. व्हेन आई एम एट माय होम तो मैं बहुत ही लाइक बच्चे जैसी हूँ. बचपना मेरे में है और मुझे लगता है बचपना हम सारे हर एक में रहना चाहिए. हर एक में होना चाहिए. बचपना मेरा सिर्फ काम को छोड़ के हर जगह बचपना ही है मेरा. आई कैन बी लाइक दैट एवरीवेयर. मुझे कहीं भी ले जाओ मैं बचपना ही दिखाऊंगी. बट जहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ मेरा काम है, वहाँ मैं अपना रोल पूरा करके फिर अपने रूप में आ जाती हूँ. इट्स लाइक दैट. और मुझे फास्ट ठीक है. एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ. जैसे 6 बजते सर मुझे कहते हैं जैसे 6 बजते सर मुझे अगर मैं कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करती या कोई बचपना बच्चों वाला काम करती, सर कहते 6 बज गए क्योंकि 6 बजे मेरी क्लास शुरू हो जाती है. 6 बजे मेरा शुरू हो जाता है, मैं अपने रूप में आ जाती हूँ फिर उसके बाद. तो ये बात नोट करिए कि 6 बजे के बाद कोई भी स्टूडेंट इनको मिलने के लिए ना आए और घर से बाहर ना निकले. इनको मिलने के लिए ना निकले. बात क्या है, ये कोरोना से भी ज्यादा भयानक. कोरोना से भी भयानक. बिल्कुल बिल्कुल. अगला सवाल लाया जाए. शिकायतें कौन लगाता आप दोनों में से सबसे ज्यादा? शिकायतें किसको किसको लगानी है? किसको? किसी को भी. मम्मा पापा को कोई झगड़ा वगैरह हो जाए. नहीं शिकायतें नहीं लगाता. शिकायतें नहीं, मजे लेते हैं थोड़े थोड़े. जब किसी को डांट पड़ रही होती है पीछे बैठ के खुशी होती है. मतलब भी मतलब ही तो नहीं कहेंगे पर शिकायतें नहीं लगाते. नहीं शिकायतें नहीं लगाते हम लोग. मतलब भी नहीं हो यार. देखो नहीं मत अब मैं क्या मतलब भी नहीं. हाँ मतलब इजी आ रहा है ये मेरे से ज्यादा. मतलब आई मस्ट से कि मेरे से थोड़े से ज्यादा है लाइक ये. देन नेक्स्ट. नहीं वो कैसे मतलब ये कैसे? नहीं ये नहीं हम बताएंगे. नहीं बता दो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. बता चलो मैं बताती हूँ पर मुझे नहीं पता मतलब ये है. मतलब ये हाँ, थोड़ा सा बताती हूँ मैं. ये अपना काम पहले करेंगे बाकी जाए भाड़ में. सेल्फिश 21st century के लायक है. एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी ये हमारे कुछ लाइक तकिया कलाम है. कुछ हमारे कुछ कोड वर्ड्स हैं. कोड वर्ड्स एलिजिबिलिटी कंप्लीट एलिजिबिलिटी. अपना काम पूरा करते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. शॉपिंग लवर कौन है आप दोनों में से? मुझे तो दोनों ही लग रहे हैं. ये क्या मैं हूँ? ये क्या ये इधर है? ये इधर है भाई इधर है. आई हैव अ गुड चॉइस. आई हैव अ गुड सेंस ऑफ लाइक सो व्हाट डू यू मीन? आई डिडंट हैव. यू हैव चॉइस बट मेरी थोड़ी ज्यादा है. आई ऑल्सो लव शॉपिंग बट ज्यादा बहुत ज्यादा घूमना मुझे पसंद नहीं है. अगर एक ही जगह पे जाके अच्छी चीजें मिल जाए तो आई प्रेफर टू स्टे देयर नॉट लाइक इधर उधर सब जगह पे घूमे. मेरे टांगे तल जाती हैं. मुझे पसंद है कि मुझे सारा दिन शॉपिंग करा लो कुछ भी करा लो. आई एम रेडी. और अगर मैं पहले बोल रही हूँ कि मैं बाहर जाने की शौकीन हूँ तो अंडरस्टूड. क्या करने जाऊंगी बाहर में? खाने पीने की शॉपिंग करने और मैंने क्या करना है? आई एम क्वाइट फूडी तो मुझे खाने पीने और शॉपिंग में भी मुझे साथ में ले जाते हैं ना. चल मेरे साथ. ये हमारे वो है क्या कह सकते विक्रम अवेता. विक्रम अवेता वेरी बैड एट हिंदी में. वो हिंदी के वर्ड ना एकदम माइंड में याद नहीं आते ना पंजाबी ना हिंदी. बस कुछ भी कुछ बोलना होता उसको क्या कहते हैं? तो फिर मैं वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको यार? वो जो हिंदी का जो वर्ड होता है तो फिर मैं इनकी डिक्शनरी हुई ना है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो यू बोथ आर टीचर. सबसे ज्यादा बच्चों को कौन डांटता है? डर जाएंगे आपसे. मैं मुझे तो डर है किसी दिन रुलाई ना देखे किसी को. मतलब चेहरा दिखाएं अपना. oh my God. इतना भी खतरनाक नहीं है. नहीं लगती हैं स्ट्रिक्ट टाइप के लगते हैं ये. आप अपने विचार में बच्चे. अच्छा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेरा चेहरा स्ट्रिक्ट लगता है कि नहीं लगता, गुस्से वाला लगता है कि नहीं लगता. बिकॉज मैनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स मुझे हमेशा कहते हैं मैम आप काफी स्ट्रिक्ट हो. मतलब सलोनी मैम जो है वो फ्रैंक है, मतलब बातचीत कर लेते हैं बट यू डोंट टॉक मच एंड यू डोंट गेट कैजुअल विद अस. तो मैं अभी नहीं लग रहा क्लास में लगता है. अभी नहीं लग रहा क्लास में लगता है. क्लास में बैठने वालों को पता है मेरे बारे में. ये हमारा दूसरा रूप.
दूसरा रूप। सो जैसे अभी तानिया बैठी है कह रही है कि मैम चेहरे से तो बहुत खतरनाक लगते हैं, अब बताओ मैं खतरनाक हूँ कि नहीं हूँ? मैं तो हूँ, देखो अच्छे से देखो। मुझे पता आप पक्का कमेंट सेक्शन में यही बताने वाले हो कि चेहरे से बहुत खतरनाक लगती है, मुझे पता है क्योंकि मुझे पता है मैं हूँ। मैं तो नहीं हूँ। बहुत लोग कहते हैं मैं तो नहीं हूँ। नहीं है ये। चलो नेक्स्ट। ऐसा बोला चेहरा बना रहे हैं तो मम्मा से भी डांट पड़ती होगी घर से अभी। ये मत पूछो। पड़ती है, प्लीज डोंट आस्क। मेरे ख्याल से जितनी डांट और मार मैंने खाई है ना, शायद किसी और ने खाई हो, पता नहीं। घर पे कोई भी अच्छा भला काम हो बुरा काम हो सलोनी ने किया होगा। सलोनी जिम्मेदार है। सलोनी जिम्मेदार, बहुत जिम्मेदार लड़की है। आई ऑलवेज थिंक ऑल द थिंग्स ऑन मी। मैंने किया है और किसी ने नहीं किया। चले नेक्स्ट। और जो आप कहते हो ऊपर से स्टैंप लगवा के वो भी बताओ। ये मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कभी मैं और लाइक बाकी हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हमेशा ही कहते हैं ये मुझे लगता है गॉड की तरफ से स्टैंप लगा के आए, पास ऑलवेज पास, फर्स्ट डिवीजन में पास, और मैं हमेशा फेल। कोई भी अच्छा बुरा काम हो मैंने किया, अच्छा काम हो इन्होंने किया, ये ऊपर से गॉड से स्टैंप लेके आए हैं, फुल एंड फाइनल पास। थैंक यू गॉड। हर चीज में पास, और मैं कोई भी चीज हो इन्होंने किया, नहीं किया होगा, मेरी गलती होगी। तुम बिट नॉट, आई एम पास। पास देन पास। और झगड़े में भी पास होते हो, अगर आप दोनों में से झगड़ा करते हो तो कौन मनाता सबसे पहले? मैं नहीं मनाती। ये तो नहीं मनाती। मैं नहीं मनाती ये नहीं। मैं मूड पे आई तो अगर मेरा मूड है तो मैं मना ले। ऐसा होता है ना, हम दोनों में ऐसा होता है कि जब हम दोनों झगड़ा करते हैं ना, मोस्टली वी गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, तो अगले 5 मिनट बाद हम एक साथ होते हैं एंड हमें हम भूल जाते हैं कि हमने किस बात से लड़ाई की। मेरे पापा ने ना, पापा जाने मेरी जो पापा जा रहे हैं ना, उन्होंने मेरे को सिखाया कि झगड़ो 5 मिनट में फिर वैसे हो जाओ। तो अगर रात होने से पहले अगर झगड़ा खत्म नहीं हुआ ना तो वो गलत बात है। लेकिन अगर रात को झगड़ा हुआ तो सुबह तक खत्म हो। मैं आपका झगड़ा मिटाने की कोशिश करती तो मैं झगड़ा करेंगे। अगर हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आता है तो हम तीसरे के साथ झगड़ा करते हैं, बाहर निकाल देते हैं और हम दोनों एक हो जाते हैं। तो माइंड इट, तीसरे को तीसरी की जगह नहीं, गुजारिश है कि हमारे बीच में ना आए। अच्छा तो शादी करने की किसे जरूरत है? मुझे लगता है आप ही के दिल की ख्वाहिश है। नहीं हम दोनों को शादी करने का नहीं है। मेरा तो दिल करता है सारी उम्र कमा। अच्छा मुझे लगा कहते मेरा तो दिल करता है कर लूं। No, it's like a single life is full of enjoyment. और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सिंगल लाइफ में फ्रीडम है, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस है, एंड यू कैन डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, फॉर करियर। तो मुझे लगता है कि दैट्स द बेस्ट थिंग वी कैन डू। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। आई डोंट से कि मैरिज इज रॉन्ग, जस्ट आई मीन टू बी लाइक जो है अभी अभी इट इज गुड, बट ऑब्वियसली इट्स पार्ट ऑफ अ लाइफ, बट वी कैन एंजॉय, वी कैन एंजॉय, इस टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। अभी कर ले तो शादी मत पूछा करो। अच्छा तो रात को सोते वक्त सबसे ज्यादा खरंटे कौन मारता है? घोड़े बेचकर कौन सोता है? घोड़े बेच घोड़े बेच के ये सोते हैं। ये हम, ये अपने पास घोड़े हैं वैसे, बेच देते हैं, बेच देते हैं, इधर उधर से जो मिले उसके बेच देंगे ये घोड़े। ये घोड़े बेच के गाय भैंसे बकरियां रखी भी बेच देते हैं, सभी आराम से सो जाते हैं। अरे देखो कितना लंबा हो गया ये, तो पीपल आर वॉचिंग यार, इंटरेस्टेड। अबे आपके लिए तो जरूर, इनके लिए तो वीडियो बनाई है ना, और किसके लिए वीडियो चल रही है? आपके लिए हिडन सीक्रेट्स रिवील वीडियो बनाई गई है। चलो ठीक है नेक्स्ट। अच्छा अब आपके फेस पे इतनी स्माइल है, अगर इंजेक्शन का नाम आ जाए तो फिर कौन डरता है? ये इंजेक्शन से बहुत डरते हैं। एंड एक बार इंजेक्शन, मैंने नहीं बताना, रहने दो, बताओ बताओ। नहीं बताना, मैंने नहीं बताना, बताओ। मैं एक बार इंजेक्शन लगना था मुझे, लास्ट ईयर मुझे डेंगू हो गया था तो इंजेक्शन लगना था। सो दैट टाइम डॉक्टर ने जब मुझे बोला कि इंजेक्शन लगाना, और मैं भागी, मैं कहा मैंने नहीं लगाना इंजेक्शन, खुद को लगाओ, मैं नहीं लगा रही इंजेक्शन। तो वो कहता बेटा लगाना पड़ेगा। तो उसने मुझे जैसे छोटे बच्चे को बातों में लगाते ना, बेटा क्या बेटा पापा का क्या नाम है, पापा क्या करते हैं, मैं कहा मुझे बातों में मत लगाओ, मुझे पता है, मुझे पता है आप क्या करना चाहते हो। मैं नहीं लगा रही इंजेक्शन, मैं भागी, पर फिर भी बट आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको होता है दो पल का बस रहना है, थोड़ा इंजेक्शन लगवा लेते हैं। आई डोंट नो क्यों लगता है, बट ऐसी कोई बात नहीं है, बट पेन तो थोड़ा सा डर डर तो है। वो जब सुई आती ना, मैं बताती हूँ, मुझे ऐसे आती ना ऐसे, तो नहीं होगा तो मेरे को बहुत डर लगता है। चलो नेक्स्ट। ओके तो सलोनी मैम आप काफी शरारती लगते हैं, तो जब स्कूल कॉलेज में होती थी तो दूसरों की बातों में सबसे ज्यादा टांग कौन अड़ाता था? नहीं मैं टांग नहीं अड़ाती, मैं किसी की भी बात में टांग नहीं अड़ाती।
मैं बताती हूँ, मैं पहले मैं अपना बताती हूँ, मैं किसी की बात में टांग नहीं अड़ाती, किसी की बात में आती भी नहीं। मुझे लगता है दे हैव देयर ओन लाइफ, दे हैव देयर ओन प्राइवेसी, तो हमें नहीं आना चाहिए, बिकॉज ये एक अच्छे मतलब नागरिक की निशानी है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की, वी पीपल हैव आवर ओन लाइफ, तो मुझे नहीं लगता। हाँ, कोई खुद मुझे बताता है तो फाइन, बट आई डोंट प्रेफर कि मैं किसी के साथ शेयर करूँ। बच्चे तो बताते हैं मुझे काफी सारी चीजें, बट आई डोंट शेयर। देन मोस्टली वीडियो बनाते पहले और मेकअप बार कौन चेक करता है? Oh my God, my hairs, my lipstick. She of course ये क्या करते हैं कि ये इनको हर दो मिनट बाद शीशा चाहिए, बाल सेट चाहिए, बाल कंघी चाहिए। एंड मेरा ये किस्सा होता है कि एक बार मैंने बना ली, अब दोबारा नहीं मैं देखने वाली हूँ। ये कहते हैं एक बार देख लो, एक बार कंघी कर लेना, ज्यादा नहीं होगा। नहीं, वैसे ये सच है कि मैं एवरी टाइम एक शूट हुआ ना, लाइक एक सीन हुआ तो उसके बाद कॉम पकड़ के अभी आपने देखा नहीं मेरे बाल पर बात, बाल बालों में हाथ जा रहा है बार बार से बात, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट शॉट, फिर नेक्स्ट शॉट, फिर बाल, फिर नेक्स्ट शॉट, फिर बाल, लाइक आई एम लाइक दैट ओनली, आई कांट लीव इट, आई कांट हेल्प मी, ऐसा ही है बस, जो ऐसा ही है बस, ऐसा ही, ऐसा ही। हाँ, ऐसा नहीं है जैसे आपने पूछा कि बाबा लिपस्टिक लगाई है नॉल, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा है। यार लड़की हूँ, क्या हो गया? तो मैं क्या हूँ? अच्छा चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। घूमना सबसे ज्यादा किसे पसंद है? घूमना तो गया मैं, मेरे को पसंद है, मेरे को यही जाते हैं, मेरे को ज्यादा पसंद है। हाँ, और क्वेश्चन फिनिश्ड, बस फाइनली लास्ट क्वेश्चन। You can tell me your favorite dishes. Favorite dishes? But I love all. मुझे सब पसंद है. All are good. मुझे सब पसंद है खाना. But burger? मुझे बहुत पसंद है. मुझे सब पसंद है. Non-veg burger. चाहो तो आप लोगों को भी खा जाओ. Non-veg burger I like, and specially homemade food is the best these days because COVID-19 is going on and you all know. Message. yes. So COVID-19 is going on and you all know that homemade food is best. Don't try to go to some other restaurants or some other places to have food because health is your best asset. And अगर मैं खाने की बात करूँ, मुझे सब खाना पसंद है, आप जो खिलाओगे मैं खा लूंगी, टेंशन मत। सिर्फ खाना भी पसंद है? नहीं, सिर नहीं खाते आप? कब खाती हूँ? ये सच वाली वीडियो है, सच वाली वीडियो, झूठ मत बोलो। चलो नहीं खाते, नहीं मैं सिर नहीं खाती, हाँ मैं कुछ भी खाती हूँ, आप जो प्यार से खिलाओगे मैं खा लूंगी। भाव भी खाते हैं? भाव भी खाती हूँ, भाव भी खाती हूँ, मैं थोड़े खाती हूँ, ज्यादा नहीं खाती, थोड़े से खाती हूँ, मूड आने पे, लाइक ऐसे नहीं मैं खाती। आप मुझे जानते नहीं सारे, क्यों उनपे भरोसा कर रहे हो? मेरे को जानते हो ना, ऐसा मत कहोगे। मैं ज्यादा जानती हूँ इनको, ये नहीं जानते। मैं ज्यादा जानती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच एंड लव यू माय टू क्वींस, लव यू टू। सो अभी वीडियो का एंड है, आई होप आप लोगों ने ये वीडियो बहुत एंजॉय किया होगा, काफी सारे सीक्रेट्स हम बता चुके हैं, ज्यादा हो गया ना सब कुछ, हमने सब कुछ तो आपको बता दिया, रह क्या गया है। चलो जो भी है, अगर इफ यू पीपल लव्ड इट तो हमें जरूर बताएं, वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, क्योंकि कमेंट्स से हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। सो कमेंट्स करना जरूर मत भूलिएगा, जरूर किया करिए। देखा मेरी हिंदी में बोला ना, आई हैव अ ट्रबल विद हिंदी। आप ऐसा करो, आप हिंदी क्लासेस लगा लो, इनको तो हिंदी अच्छी आती होगी ना, इनमें से यार देखो हिंदी आती है, बट द प्रॉब्लम इज कि वो जब बाहर नहीं आती। बाहर क्या आता है, इंग्लिश आती है बाहर। सो देयर आर सम सिचुएशंस जहां पे हमें लाइक वी पीपल हैव टू टॉक इन लाइक हिंदी, तो जब इंग्लिश और हिंदी ना क्लैश हो जाती है ना, यही पे इनकी लड़ाई हो जाती है कि मैं आऊंगी बाहर, हो गई थी मैं आऊंगी, उस चक्कर में कुछ भी बाहर नहीं आता, ऐसे रह जाता है। तो आप लोग हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, एंड अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, हो सकता है कि हम इसका सेकंड पार्ट बना ले, हो सकता है अगर आपके क्वेश्चंस हो तो। और अगर आप लोग को पसंद आई तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सब लोगों को ये शेयर करें, एंड एडसेक्ट इंटरनेशनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बिकॉज हम काफी सारी वैल्यूएबल वीडियोज आपके लिए लेके आ रहे हैं। एक छोटा सा इसका लाइक ऑफ ट्रैक पार्ट था, बट हमें काफी सारे स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पूछे थे, लोगों ने पूछे थे, सब्सक्राइबर्स ने पूछे थे, देयरफॉर वी हैव मेड दिस वीडियो, एंड मुझे लगता है कि आप लोगों को उम्मीद है श्योरिटी है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, हमें इतना मजा आया, लाइक बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स ऑल वन टेक, वन टेक हमने नेचुरली बनाई है, तो पसंद जरूर करिएगा, वरना मैं आ रही हूँ। ओके, सो आपका फोन पकड़ के खुद लाइक शेयर सब्सक्राइब कराने के लिए बाय कर दे कि बोलना है आपने, और नहीं मैं तो रात भी पड़ जाएगी, ये भी बता दो इनको, घर भी जाना, ये भी बता दो।
क्या। हाँ, ये एक और सीक्रेट रिवीलिंग पॉइंट आपको यहाँ पे बता दिया जाए कि जब ये किसी बच्चे को लेके बैठ जाते हैं तो 2-3 घंटे कहीं नहीं गए। तो जब भी आप इनसे मिलने के लिए आते हैं अपने 2-3 घंटे स्पेयर करके आया कीजिए। ये नेचुरली है, मैं वीडियो में भी ऑन हो जाए ना फिर मुझे छोड़ दो। मेरा कैमरा और मैं, और मेरा कैसे इनको बताओ, मेरा कैमरा और मैं हम घंटों बातें करते हैं। और ये इन पे आते हैं ना, इनको बहुत जल्दी इनके आते हैं। ये मैडम जी मेरे ख्याल से 10 मिनट की बात को 2 मिनट में करके खत्म, बाय बाय। अपने घर, मैं अपने घर। इसलिए बहुत सारे लोगों को मेरा नाम शॉर्टकट है, इनका नाम लॉन्ग कट है। सबसे ज्यादा ट्यूबलाइट कौन है? अरे बाबा ये तो रह गया सबसे ज्यादा। अच्छा सबसे ज्यादा ट्यूबलाइट जो है ना वो आप ही हो। मैं नहीं हूँ, ये बता दूँ तारू है ये सबसे ज्यादा ट्यूबलाइट, पर उनसे कम ये। मैं ठीक हूँ, मेरी प्रॉपर चलती है, मैं बताती हूँ। 6 बजे के बाद नहीं चलती? हाँ, मैं खुद ही नहीं चलाती, मैं स्विच ऑफ कर देती, मैं खुद ही स्विच ऑफ कर देती। मैं बताती हूँ, जैसे ही कोई इनको कुछ बता के जाए, ये जैसे ट्यूबलाइट चलती ना, चलेगी बंद होगी, चलेगी बंद होगी, चलेगी बंद होगी, ऐसे इनका इनका सिस्टम है। लाइक सिस्टम चेंज करा लो, लाइक इनका सिस्टम जो है कि वो पहले समझ आएगा, नहीं आया क्या बोला फिर से बताओ, आगे समझ, क्योंकि मैं ध्यान नहीं देती ना, फिर चलती है। तो वे यू इग्नोरेंट? यस आई नो। देखो मीन इग्नोरेंट सब यही है, झांकने वाले सब यही है। मतलब कि होता क्या है कि जितने ऐसे बुरे वाले टैग्स हैं उन्होंने मुझे दे दिए हैं पूरी वीडियो में, मुझे लगता है आपने खुद लिए ना। फिर ऐसे बनते क्यों हो बताओ? तो उन्होंने पहले वीडियोस में लिए हुए हैं, इसलिए बात कर रही हूं। मैंने किया शराब, मैंने सब कुछ मैंने किया वीडियो में। मैं तो पी के पहले चली हुई थी, मैं रियल में नहीं पीती हूं, पहले मैं बता दूं। मैंने सब चीजें शूट के लिए किया, सिर्फ सिर्फ आप लोगों के लिए। एंड आई होप यू पीपल विल अप्रिशिएट। अगर आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है तो मुझे भी इसी वीडियो से पता चल जाएगा। एंड मौसम बहुत अच्छा हो गया, हम एंजॉय कर ले। मुझे घूमने का शौक है, मुझे और भी आगे जाना है। बाय 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 बाय, सी यू।